मेन परेशानी जो रहती है वो कि कुपोषण की वजह से होता है। खाने पीने में उनका ध्यान नहीं रहता, बच्चों को दूध पिलाती हैं और दूध नहीं लेती, कैल्शियम रिच डाइट लेनी रहती है, वो उनको पता नहीं रहता। उस वजह से जो कमर दर्द का मेन कारण क्या है, कैल्शियम की कमी। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने आहार पे ध्यान दें, कैल्शियम की कमी को दूर करें। कैल्शियम सरकार की तरफ से जो दवाइयाँ मिलती हैं वो आप ले सकती हैं, और दूध अपने आहार में इंक्लूड करें, और साथ में जैसे घर में सीताफल वगैरह रहता है, हरी सब्जियां रहती हैं, दूध है, दही है, इवन छाछ भी एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत कहलाता है। तो आप ये तो अपने घर पे ट्राई कर सकती हैं, और ऐसा इसके लिए, हाँ, इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और ऐसा अलग से पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं वो तो भोजन के साथ ही कुछ चीजें जैसे केला जो सामान्य बोलते हैं ना कि बहुत कम पैसों में आता है, तो आप कुछ चीजें तो आप घर में ही भी रख सकते हैं। तो ये बहाना नहीं होता कि पैसा नहीं है, समय नहीं है। बिल्कुल जागरूक होना तो पड़ेगा और अपने स्वास्थ्य पता होना चाहिए कि आपको आपकी हेल्थ का कितना ध्यान रखना है। अच्छा मैम, आप जैसे डॉक्टर हैं, आपने कुपोषण के बारे में बताया, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, गांव में बच्चे भी बहुत कुपोषित होते हैं, तो आंगनवाड़ियों में तो बहुत उन्हें समझाते हैं, इनको बार बार खिलाओ पिलाओ, इनका वजन कम हो रहा है, तो इसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप बताइए दर्शकों को, उनकी माताओं को खास तौर पे, क्योंकि आप उनके खाने का क्या यानी देखभाल कैसे करें वो लोग। मतलब मनोरमा जी इस चीज से जूझ चुकी हैं, हाँ, मोनिका जी। जब माँ को ही पता नहीं है कि उनको खाने में क्या इंक्लूड करना है, तो वो बच्चे को कैसे सुधार सकती है, उनका उनकी डाइट कैसे इंप्रूव कर सकती है। बिल्कुल सही। इसीलिए माँ को ये जानना बहुत जरूरी है कि डाइट में क्या लेना है, ये प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इसकी कितनी कितनी मात्रा आपको देनी है। बच्चे को कुपोषण का मेन कारण जो गाँव में देखा जाता है वो प्रोटीन की कमी रहती है। बच्चे रोटी खा लेते हैं पर सब्जी नहीं खाते, दाल तो वो छूते भी नहीं है। तो हमें चाहिए कि बच्चों को दालें भी दें, रोटी भी खिलाएं, चावल भी खिलाएं, और समय अनुसार सीजनल फ्रूट्स वगैरह फल मिलते हैं बिल्कुल, तो वो सब इंक्लूड करें। जी, बिल्कुल पर्याप्त होना चाहिए भोजन जो होता है ना, उसमें सारी चीजें पूरा होना चाहिए। किसी एक की भी कमी रहेगी तो फिर बच्चे को प्रॉब्लम तो आएगी। ग्रोथ ही सिर्फ हाइट की बात नहीं होती, दिमाग पे भी असर पड़ता है, पोषण का असर दिमाग पे, उसका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट पे पड़ता है। तो ये माओं को बहुत जरूरी है कि इनको डाइट के बारे में जी अच्छे से उनको पता हो, खुद का ध्यान रखें और बच्चों का ध्यान रखें। बहुत सही बात कही आपने मनोरमा जी। आपने शहरी और ग्रामीण दोनों जीवन जिया है, आपने सबसे ज्यादा कौन सी चीज खासियत भी देखी और कह सकते हैं कि कमी भी देखी, दोनों मैं